कि आपको मौत से डर नहीं लगता? ये आपको मौत से डर नहीं लगता? आपको मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर नहीं लगता आपको? तो आपको भी मौत से डर लगता है? आपको मौत से डर नहीं लगता है? मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर नहीं लगता? क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं, आपकी क्या तैयारी है? आपके पास मास्क भी नहीं है और कुछ नहीं लगाया आपने, तो ये कैसे घातक माना जाए? मेरठ में लॉकडाउन है और ऐसे में मेरठ के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सड़कों पर धड़ल्ले से निकलते हैं और बहाना तो उनके रग रग में बसा है। ईरेडी ने सोचा कि आखिर लोगों से ये जाने कि क्या मेरठ के लोगों को मौत से डर नहीं लगता, तो आप खुद सुन लीजिए क्रांति धारा के वीर सपूतों का जवाब। वैश्विक महामारी के बीच में जिस तरीके से लॉकडाउन है, एक बड़ा सवाल यह है कि आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं सर, लगता है। तो कहाँ जा रहे हैं? ये सर मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा था, यहाँ घर में है तो मैं तक घर ही जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आटे का ही काम है। अच्छा, तो वो आटा सप्लाई कर रहा था ना, तो डर लगता है? हाँ जी, डर तो सबको ही लगता है जी, बिल्कुल। इन्हों घर जाएं, सुरक्षित रहें, मौत से डर सबको लगता है। मौत से तो डर लगता है भैया, लेकिन सर्विस है हमारी, करनी पड़ेगी। क्या करते हैं आप? क्लियर टेलीकॉम सर्विस से हूँ ना मैं, फील्ड इंजीनियर इंडस से। अच्छा जी, लगता है लेकिन जरूरत है काम, ये इमरजेंसी सेवाएं है ना हमारी भी, तो देनी पड़ेगी लोगों को। घर जा रहे हैं। मौत से डर नहीं लगता आपको? इनको मौत से डर नहीं लगता? आपको मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो फिर आप घर से बाहर? सर जरूरत के लिए तो जाना पड़ेगा, जब खाने को आटा नहीं है, कुछ नहीं है तो जाना पड़ेगा। तो आटा तो 10 किलो लेके रख सकते हैं? नहीं नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा कहीं भी। बताओ कहाँ देना भाई 10 किलो आटा इनको भिजवाओ भाई, 10 किलो आटा, ये एक बार 10 किलो आटा एक महीना चलेगा। हाँ वो तो बात सही है, फिर लेकिन हमारा तो मतलब और हमसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, लगता है फिर जब तो मास्क लगा के चल रहे हैं। नहीं तो बाहर क्यों निकल रहे हैं? राशन लेना है। डर लगता है तो फिर क्या करें, फिर मजबूरी है। और आपने ये रुमाल भी होकर रखा है, खैर मौत से डर इनको भी लगता है, आपको भी मौत से डर लगता है? नहीं मौत तो आनी है, बाकी फिर बचाओ बढ़िया बात है। तो मास्क नहीं लगाया आपने? हम मास्क जल्दी भाई भूल गए हम। फिर मौत से तो डर सभी को लगता है। तो फिर बाहर क्यों घूम रही है? बाहर तो हम घूम रहे हैं, इधर आपके पास ही आए थे हम तो। अच्छा हाँ, मौत से डर नहीं लगता? घर ही तो जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल है मौत से डर नहीं लगता? लगता है। तो फिर मास्क कहाँ है और क्या, दूध लेके वहीं रुकना चाहिए था? अभी जाएंगे 2 मिनट बाद। अच्छा, और आपको मौत से डर लगता है? लगता है। हाँ लगता है। तो फिर इस तरह से क्यों निकल रहे? इसके साथ आया था, 2 मिनट घर पर आया था ना। ये मौत को रोक लेगा? नहीं। हाँ? तो फिर और लास्ट में हमारी शूटिंग को बहुत ही गौर से निहारने वाले इन अंकल जी से हमने यही सवाल पूछ लिया। बस चौड़िया के चचा जान लगे ज्ञान झाड़ने। बोलो कि आप क्या सोचते हैं? कोरोना एक बहुत ही घातक बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा भयानक है, इसका बचाव करने के लिए हम लोगों को सभी को। लेकिन आपकी क्या तैयारी है? आपके पास मास्क भी नहीं है और कुछ नहीं लगाया आपने, तो ये कैसे घातक माना जाए? मैं थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी में निकल आया हूँ। जल्दी जल्दी में तो कोरोना आ जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कि आपको मौत से डर लगता है? बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने तो अभी कैमरे के सामने आपने मास्क ही तो पहन चुका था, इसलिए इस तो किस यादों में खोए हुए थे आप? ये मैं गलती चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति जानबूझ के भी ना करे और बहुत ही सोच समझदारी से घर से निकले। तो मतलब ये साफ है कि मौत से डर आपको भी लगता है? जी जी जी। तो सावधानी क्यों नहीं बरते आप? सर मैं भूल चुका, मैं बहुत ही जल्दी में था। अच्छा, किसी कारणवश मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल। ये थे शास्त्री नगर के निवासी जो कह रहे थे ऐसी वाकई और लोगों की तरह इनको भी मौत से डर लगता है, लेकिन इससे पहले ये सावधानी नहीं असावधानी पूर्वक यात्रा कर रहे थे। तो साथियों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, और हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook या Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अपना कमेंट करें और #eRadio जरूर लगाएं। शुक्रिया।